खबर है रायगढ़ जिले का। डोंगरीपाली पुलिस की अवैध गांजा तस्करी पर सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई। पिकअप वाहन से 15 लाख रुपए कीमत की 100 किलो गांजा हुआ जब्त। पिकअप वाहन के डाला में गुप्त चैम्बर बनाकर उड़ीसा से मध्य प्रदेश किया जा रहा था गांजा की तस्करी। आपको बता दें कि एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटेल व एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर जिले के सारंगढ़ अनुविभाग में पुलिस लगातार अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह 14 मार्च को डोंगरीपाली पुलिस द्वारा 1.5 क्विंटल के साथ आरोपी को गांजा तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी क्रम में बीते दिनों 21 मार्च 2022 को थाना प्रभारी जितेंद्र एसैया को सक्रिय सूचना तंत्र पर गांजा की तस्करी को विफल करने में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपियों द्वारा पिकअप वाहन के डाला में गुप्त चैम्बर के नीचे गांजा का पैकेट रखकर तस्करी किया जा रहा था, जिसमें 1 क्विंटल गांजा की जब्ती की गई है। रायगढ़ से क्राइम ब्यूरो अवध बरेड की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।